तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था, सैमसंग A52s का एक नया अपडेट आया था अगस्त 2023 का। दोस्तों उस अपडेट में क्या नया चेंजेस किए थे उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जैसा कि वहां पर कुछ नया चेंजेस नहीं किया गया था, सिर्फ बग्स को फिक्स आउट किया गया था और कुछ भी नया चेंजेस नहीं किया गया था, और अगस्त की सिक्योरिटी को अपडेट कर दिया गया था। आज मैं उसी अपडेट के रिव्यू करके बताने वाला हूँ कि उस अपडेट के बाद क्या सा मोबाइल चल रहा है और क्या क्या उसमें ऐसा कुछ बग्स लगे, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ A52s के नए अपडेट के रिव्यू करके। तो उसके लिए मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। यहाँ पर जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सॉफ्टवेयर अपडेट एंड डाउनलोड का। जैसे ही आप उसमें जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट अपडेट पे, ये मैंने इसको अपडेट करा था 16 अगस्त 2023 को 7:38 में मैंने इसको अपडेट करा था। यहाँ पर क्या नया चेंजेस था, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बस खाली हमने बग्स फिक्सेस किए गए थे और डिवाइस की प्रोटेक्टिविटी को इम्प्रूव किया गया था। यहाँ पर अगस्त 2023 का सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर देखा गया था। तो इस अपडेट के बाद क्या नया चेंजेस किया गया, जैसा कि आपको बताऊं इस अपडेट्स के बाद क्या नए बग मुझे लगे या फिर क्या बग हो सकते हैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और परफॉर्मेंस कैसी हुई है, परफॉर्मेंस तो वैसे तो ठीक है, परफॉर्मेंस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा कभी क्या लैगिंग का इश्यूज है। लाइक अगर मैं गैलरी खोलूं तो उसमें कभी बार लैग जाता है, या मैं कैमरा खोल के कभी फ़ोटो क्लिक करूं तो फोटो क्लिक करने का जो टाइम है ना यार, बहुत धीरे। आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो कब क्लिक करी और कितनी देर बाद उसका वहां पर अपडेट हुआ। और सबसे ज़्यादा जब भी मैं कैमरा खोलता हूं तो ब्लूटूथ से मेरी वॉच ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी कैमरा खोला, वॉच ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर कुछ टाइम बाद वो कनेक्ट होती है। ये दो बग मुझे लगे, सबसे पहला कैमरे का इशू लगा और दूसरा बग वो डिवाइस का। और बाकी परफॉर्मेंस की बात करें, चलने में ऐसा कोई इशू नहीं है, चल यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा है, चलने में कोई इशू नहीं है। लैगिंग में है हल्का हल्का, लैग का इशूज़ है, अगर आप खुद ही देख सकते हैं ये लैग यहाँ पर कर ही रहा है, ये लैग का इशूज़ आ रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें हीटिंग की, तो मुझे कोई भी हीटिंग नहीं लग रही, क्योंकि बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर हो ही चुका है, तो हीटिंग का कोई भी इशू नहीं है। जितनी देर भी मैंने उसको चला के देख लिया, हीटिंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बस यहाँ पर लैगिंग का इशू लग रहा है और थोड़ा बहुत कैमरे में थोड़ा बहुत यहाँ पर लग रहा है। मतलब कैमरे में परफॉर्मेंस में नहीं है, कैमरा चल सही रहा है, क्लिक करने के जो उसकी फ़ोटो वहाँ पर आती है ना वो बहुत स्लो आ रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये कैमरा यहाँ पर चल रहा है, मान लो मैंने इसको फ्रंट में ही कर लिया, तो आप देख रहे हैं इसको मैंने यहाँ पर फोटो क्लिक करी, तो उसकी क्लिक आने के बाद कितनी देर बाद वो आप फोटो आती है, आप देख रहे हैं कितनी देर बाद वो आती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर लगी। दूसरी, कोई भी चीज़ खोल रहे हैं तो लैगिंग का थोड़ा सा इशू लगा। और अगर आप सेटिंग्स में जाएं तो ये आपको सब दिख ही रहा होगा, लैगिंग का इशू हल्का हल्का सा यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, बैटरी परफॉर्मेंस में जाके आप देखेंगे तो बैटरी में तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि बैटरी कम चल रही है ज़्यादा चल रही है। बैटरी जितनी मेरी पहले चलती थी सेम उतनी ही चल रही है। जैसे कि मैं व्यू डिटेल पे आ जाऊँ और लास्ट 7 डेज पे आ जाऊँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 डेज में आ जाऊँ। लाइक 16 तारीख को मैंने अपडेट करा था तो 17 से यहाँ पर दिया है, 17 तारीख को मैंने उसको फुल चार्ज करके चलाया, 18 घंटे मेरा स्क्रीन ऑफ टाइम रहा और स्क्रीन ऑन टाइम 3 घंटे रहा। और अगस्त 18 में करें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा यूज़ करा तो ये 11 घंटे का आ गया और 3 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। और यहाँ पर 19 में आएंगे तो सेम 18, मतलब ओवरऑल 3 घंटे का मेरा यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम चल रहा है। और अभी भी आप देख रहे हैं 23 अगस्त हो चुकी है और मेरे मोबाइल की अभी बैटरी 60% यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं 60% यहाँ पर अभी अवेलेबल है और 2 घंटे 25 मिनट का वॉच टाइम हो चुका है। तो बैटरी में भी कोई इशू नहीं है, बैटरी अच्छे खासा चल रहा है, कोई ऐसा बैटरी में वो दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी कोई, अगर आप यहाँ पर आप देखिए तो परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, बट लैगिंग का इशू है। जैसे सारी ऐप बंद करने के बाद भी अगर मैं किसी ऐप को खोलूँ तो उसकी जो ऐप खुलने का जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। आप खुद देख कर सकते हैं कि कितना यहाँ पर स्लो वर्किंग कर रहा है। और अगर मैं इकट्ठे 4-5 खोल लूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको यूज़ करके देखें तो मैंने बहुत सारी ऐप्स यहाँ पर खोल ली हैं, कंटिन्यू मैंने बहुत सारी ऐप्स यहाँ पर खोल ली हैं। और उसके बाद अगर आप मैं इस ऐप को यूज़ करके देखें
और अब आप इसको भी यूज़ करके देखें और अभी आप सेटिंग्स को चला के देखेंगे तो यहाँ पर चलने में आप देख सकते हैं, यहाँ पर चलने में थोड़ा सा लैगिंग का इशू है, बाकी और ये मस्त चल रहा है और कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है और कोई छोटा मोटा बग्स मुझे नहीं लगा, जो बग्स लगा मैंने आपको बता दिया। ओवरऑल गुड इम्प्रूवमेंट थी, बैटरी इम्प्रूवमेंट अच्छा हुआ है, सिक्योरिटी अपडेट हुई है, ये दो चीज़ों का यहाँ पर मेनली अपडेट किया गया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि कुछ इसमें बग पाए गए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, उससे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को, जरूरी चीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल का दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू।